यूपी के हरदोई से वार्ड नंबर 3 से जिला पंचायत सदस्य पद के लिए विजय प्रत्याशी रजनीपाल ने चुनाव जीतने के बाद बड़ा ऐलान करते हुए कहा वो महिलाओं को एकजुट कर शिक्षित बनाएंगी। नशा मुक्त अभियान चलाकर पुरुषों को नशा करने से रोका जाएगा। महिलाओं को शिक्षित बनाने का कार्य करेंगे। महिलाओं को जागरूक किया जाएगा जिससे महिलाएं आगे बढ़ सके। रजनीपाल ने भाजपा समर्थित प्रत्याशी अदिति को 3000 वोटों से हराकर करारी शिकस्त दी है। एक साधारण सी महिला चुनाव जीतने के बाद नशा मुक्त अभियान चलाकर लोगों को नशे से दूर रखने का संकल्प लिया है। रजनीपाल के इस बयान के बाद इलाके की महिलाएं उनकी तारीफ करती नहीं थकती। आपको बता दें रजनीपाल समाजवादी पार्टी समर्थित प्रत्याशी थी। उनकी इस जीत से समाजवादियों में भी खुशी की लहर है। वहीं भाजपा को करारा झटका लगा है। बीजेपी के गढ़ में चित कर दिया। जनता ने मुझे इतना समर्थन दिया है कि मैं नशा मुक्त अभियान चलाऊंगी, महिलाओं को शिक्षित बनाऊंगी, क्षेत्र का विकास करूंगी, क्षेत्र के लिए स्कूल नशा मुक्त अभियान चलाऊंगी, प्राथमिकता के साथ काम कराऊंगी और बहुत बहुत धन्यवाद।